हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहाँ पर आप सभी को भारत के किसी भी प्रदेश से अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई भी रिक्रूटमेंट आता है तो उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, जो कि धर्मशाला में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से टेट का जो एग्ज़ाम है, जिसमें टीजीटी के थ्रू जो टीचिंग वैकेंसी मांगी जा रही है, इसके ऊपर इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। ये नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया गया था, जिसमें इस यहाँ पर एक अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जो 8 विषयों पर एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, जिसमें टेट, आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जीबीटी, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री पंजाबी और उर्दू की जो टेट परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन 8 विषयों में टेट परीक्षाओं के लिए जो दिशा निर्देश हैं, जिसके लिए संयुक्त प्रॉस्पेक्टर्स एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए जो लिंक है, वो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट www.hpbose.org पर उपलब्ध है, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है वो ख़त्म होने के बाद यहां पर आप लोगों का जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल, GBT शास्त्री, लैंग्वेज टीचर्स, पंजाबी, उर्दू के लिए जो यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन रखा गया है वो क्या रखा है, तो TGT आर्ट्स के लिए यहाँ पर BA या फिर BCOM विथ आप लोगों को 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है, प्लस BEd आपके पास होना ज़रूरी है। सेम क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए TGT नॉन मेडिकल में भी रखा गया है। TGT मेडिकल में आप लोगों को BSc 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ BEd का जो डिग्री है वो भी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। शास्त्री के लिए यहाँ पर शास्त्री लैंग्वेज से आप लोगों को 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है, जो आपका बैचलर है। लैंग्वेज टीचर्स के लिए भी आप लोगों को BA जो है वो हिंदी में पास आउट होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जिसे DEE कहा जाता है, वो पास आउट होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास BEd की डिग्री हो तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में भी आप लोगों के पास जो है वो BEd की जो डिग्री है वो होनी ज़रूरी है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्म आए हुए हैं, जो 8 डिपार्टमेंट से फॉर्म निकल कर आए हुए हैं, उसमें आप लोगों के पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपका जो BEd है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर SC ST OBC और फिजिकल हैंड के जो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर उनको फॉर्म फिलअप करने पर मिल जाएगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है, किसी भी एज के स्टूडेंट यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसका जो एग्ज़ामिनेशन का जो सेंटर बनाया गया है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट में ही कुल टोटल 71 सेंटर यहां पर इसके बनाए गए हैं, 71 सेंटर पर इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर बात कर लें कि इसका जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो क्या रखा गया है, तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन का जो डेट यहाँ पर रखा गया है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था, जिसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2023 का डेट रखा गया है। यहाँ पर जो 30 अक्टूबर तक अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं तो ₹300 एप्लीकेशन फ़ीस के साथ आपको लेट पेमेंट देना पड़ेगा। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल जाएगा, और वहीं जो फॉर्म में करेक्शन का जो डेट यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है वो 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। इसका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ामिनेशन के 4 दिन पहले ही आप लोगों को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसमें JBT जो टेट का एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर को कराया जाएगा, शास्त्री टेट का जो एग्ज़ाम है वो भी 26 नवंबर को कराया जाएगा, TGT नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 27 नवंबर को कराया जाएगा,
लैंग्वेज टीचर का जो टेट का एग्ज़ाम है वो 27 नवंबर को कराया जाएगा, टीजीटी आर्ट का जो पेपर है वो 3 दिसंबर को कराया जाएगा, टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम जो है वो 3 दिसंबर को, पंजाबी टेट का एग्ज़ाम 9 दिसंबर को और उर्दू टेट का एग्ज़ाम 9 दिसंबर को कराया जाएगा। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के जो टेट का एग्ज़ाम है जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसका फॉर्म अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो इसका जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लें। तो गाइस, इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।